हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुमन फैमिली ब्लॉग में। और क्योंकि मैं तो व्रत नहीं हूँ, मैं मंदिर भी नहीं गई, क्योंकि सब लोगों ने मना किया है अभी कि आप मतलब अभी पूजा ना करें, क्योंकि मम्मी का सारा काम हमने किया है ना, तो इसलिए सब लोग मना कर रहे हैं। और हाँ, ये दोनों लोग जा चुके हैं मंदिर, दीदी के साथ गए। और ये दोनों लोग देखो खाने पे लगे हुए हैं। और ये दोनों लोग मंदिर गए थे दीदी के साथ, हम नहीं गए थे। और बस दूर, और यहाँ पे ना मेरी चाय वाय हम लोगों की हो चुकी है नहाने धोने के बाद। और यहाँ पे ये खा रही है अमरूद, और मैं यहाँ पे काट रही हूँ लौकी। मैं बनाऊँगी लौकी का रायता, और मैं यहाँ पे इसलिए देखो एक पंथ दो काज मैं यहाँ पे आलू भी मेरे उबल जाएंगे और लौकी भी मैं ऐसे ही रखती हूँ, इससे टाइम भी मतलब बचता है और गैस भी, दोनों चीज़ें बचती हैं। और यहाँ पे ना मैं आटा गूंद रही हूँ खाना की तैयारी। यहाँ पे मैंने लौकी अपने ना पीस के और दही में मिला रही हूँ। रायता मुझे ही पसंद है और किसी को नहीं, भैया वगैरह भैया लौकी की कोई चीज़ नहीं खाते हैं, तो बस हम ही दोनों लोग दीदी व्रत हैं, तो बस हम ही दोनों लोग। और यहाँ पे मैं लगाऊंगी रायते में, रायते को मतलब हींग गिरा डाल के छोंक लगाऊंगी रायता में। और गर्मी आज इतनी ज़्यादा हो रही है कुछ कहने की नहीं, आज तो बहुत ज़्यादा ही गर्मी। और ये पता नहीं ये जीरा में क्या था, पानी था थोड़ा सा कि कोई चीज़ थी, इतनी पट पट करके आवाज़ कर रहा था ना, मुझे तो डर ही लग गया था, मुझे लगा कहीं जल ना जाऊँ, बहुत ज़्यादा मतलब आवाज़ कर रहा था एकदम। और इसके बाद में मैं यहाँ पे डाल रही हूँ हींग रायता में, वहीं हींग थोड़ी सी ज़्यादा डालनी चाहिए, अच्छी लगती है। और ये गैस है ना हमारी, कल ख़राब हो गई तो सही कराई इसकी, ये जो वो है ना बटन वो बहुत ज़्यादा टाइट ऐसी खुल रही है, तो ये देखिए हमारे रायते में तड़का लग चुका है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो अब मैं जा रही हूँ थोड़ी हवा खाने के लिए, उसके बाद बनाऊँगी पराठा। और यहाँ पे मैं सेक रही हूँ पराठा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो मैंने थोड़ा रेस्ट कर लिया था, मतलब आराम कर लिया, उसके बाद वो पराठा सेक रही हूँ मैं। हेलो दोस्तों, और अभी बज रहे हैं 12, और अभी हमारा हो रहा है खाना, आप लोग भी आ जाइएगा। और खाने में मैंने बनाया है आलू फ्राई और लौकी का रायता, कुछ लोगों ने दही लिया, मुझे दही पसंद नहीं है ज़्यादा, तो मैंने लिया है रायता। और रायता मुझे कितना पसंद है तो मैंने दो कटोरियों में लिया है। और आप लोग भी आ जाइएगा खाना खाने के लिए, बस ज़्यादा नहीं क्योंकि दीदी व्रत हैं तो मतलब रोटी वगैरह और कुछ खाना बना नहीं सकते हैं। और खाना वाना खाने के बाद हम लोग सो गए थे, और इतनी तेज़ बारिश हुई कुछ कहने की नहीं, और मेरा मन कर रहा था नहाने का, फिर सो के उठे थोड़ी देर बैठे तब तक बारिश बंद भी हो गई, बहुत ज़्यादा हो रही थी बारिश जब हम उठे थे देखे, और मेरा मन कर रहा था फिर मैंने नहाया नहीं, मैंने कहा छोड़ो फिर नहाऊँगी, बहुत तेज़ बारिश हुई, दीदी ने नहाया बारिश में, हमने तो नहीं नहाया। और बारिश के बाद मेरा कितना काम बढ़ जाता है वो तो आप लोग देखेंगे, मतलब पूरे आंगन में मिट्टी मिट्टी सी हो रही थी, चिप 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 सी, तो क्योंकि मिट्टी मिट्टी बारिश में भी मतलब जो छत वत पे मिट्टी होती है थोड़ी बहुत वो भी आ जाती है, और पैरों से भी भैया ये इधर आते जाते हैं, तो बस मैं पानी डाल डाल के और वाइपर से खींच दूँगी, और बाद में पोंछा थोड़ा कर दूँगी पोंछा, बस ऐसे सही हो जाएगा, सूख जाएगा हाल। बारिश अच्छी तो लगती है पर घर में मेरे बहुत किचकिच हो जाती है एकदम से, थोड़ी बहुत मिट्टी मिट्टी, हमारा चौंतरा ही इतना बड़ा है
तो कितना पक्का कराएं, छोटा बहुत थोड़ा बहुत हो तो पक्का करा भी लें, चलो फर्श वर्श करवा लें, इतना बड़ा है कितना करवाएं। और गाय है वो चौतरा छोड़ने का मन नहीं करती हैं, चौतरे पे ही बैठी रहती हैं। और इसके बाद में देखिए मेरी चल रही है सफाई, और देव अपने केले खाने में ताऊ जी दे के गए हैं, केला दे के गए थे अपनी के देव को, और खीर बनाई थी उन्हें, सारी मेवा डाल के खीर बनाई होगी चाची ने, तो वो दे के गए थे भाई साहब दो कटोरियों में। और यहाँ पे ये देखिए शाम को हो रही हमारी पार्टी, चाय वाय पीने के बाद चाउमिन खाने का मन कर रहा था तो मैंने बनाई नहीं, बस बाहर से मंगाई है क्योंकि दीदी व्रत थी, बस हमें लोग और बच्चों के लिए फिंगर मंगाए थे तो वो अपने फिंगर खाने में लगे, मैं चाउमिन खाने में लगी हुई हूँ, बस हमने दोनों लोगों के लिए, भैया के लिए और अपने, थोड़ा मन कर रहा था। वैसे मैं बाहर की कमी चीज़ें पसंद करती हूँ, नहीं खाती हूँ ज़्यादा, लेकिन पता नहीं क्यों आज मन कर रहा, मैंने भैया जल्दी ले आओ नहीं तो। हेलो दोस्तों, अभी बज रहे रात के 11 और मैं कर रही इस वीडियो का एंड। वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मिलती हूँ आप लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, राधे राधे।